को हाल फिलहाल में हिंदू लड़कियां ही क्यों शिकार बनती हैं? बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए। हिंदू लड़कियां नहीं शिकार हो रही हैं धर्म परिवर्तन का? हर तरफ दोनों लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही हैं? पांच उदाहरण दीजिए, पांच उदाहरण दीजिए, पांच उदाहरण दीजिए। तुम झूठ बोलते हो, क्या झूठ है? ये झूठ है और ये झूठ है और ये सारे केस रजिस्टर है। अरे झूठ है, गुजरात से भी केस सामने आया। ये होता है, नहीं बर्दाश्त कर पाते आप, नहीं बर्दाश्त कर पाते। तो आज के इस वीडियो में राकेश पांडे ने मौलाना को डिबेट में बहुत अच्छे से धोया है, क्योंकि मौलाना कह रहा था कि लव जिहाद जैसा कुछ भी नहीं होता है। तो राकेश पांडे ने जब नाम गिनाना शुरू किया तो मौलाना कहने लगा, ये सब झूठा केस है, आप अपने मन से बोल रहे हैं, ये ऐसा सच नहीं है। तो इसी बात पर राकेश पांडे ने उसे डिबेट में अच्छे से धोया है, जिसके बाद डिबेट में मौलाना बौखला गया और जोर से चिल्लाने लगा। तो इस बात पर भी वह अच्छे से सुन लिया, क्योंकि ये सवाल का जवाब ही नहीं दे रहा था, बल्कि ऐसे ही कुछ भी बोले जा रहा था। तो भाई क्या हुआ, आप खुद से ही देखिए आगे। इससे उनके माँ बाप को नहीं दिक्कत थी? तो फिर अब दिक्कत किस बात पर आ रही है? इसलिए धर्म परिवर्तन का दबाव जो उनकी माँ की बातों से जाहिर होता है, उनकी बातों की वो हिजाब पहना रहा था, इसलिए उन्हें दिक्कत हो रही थी। फिर वो पुरानी जो बात का मैं जवाब दे चुका, उसी को लौट करके आप क्यों अलर्ट? देखिए इसलिए कि सर हाल फिलहाल में मैं आपको देखिए मेरे पास में ये देखिए मेरे पास पूरा चिट्ठा पत्रा था। हाल फिलहाल में हिंदू लड़कियां ही क्यों शिकार बनती हैं? बोलते रहिए, आप ही बोलते रहिए। चिट्ठा दिखाने की जरूरत किसको आ रही है जो इनकार कर रहा है? ये चिट्ठा दिखा करके इससे क्या क्या हिंदू लड़कियां नहीं शिकार हो रही है धर्म परिवर्तन का? हर तरफ दोनों लव जिहाद का शिकार नहीं हो रही? आप मुझे पांच उदाहरण दीजिए, आप मुझे पांच उदाहरण दीजिए। कादरी साहब आप पांच उदाहरण दीजिए, चलिए पांच उदाहरण दीजिए। काय के पांच उदाहरण चाहिए आप? जहां पर बताइए, जहां पर आप लोग शिकार बन गए हो किसको? अक्सर जो जगह होता है, नहीं उदाहरण दीजिए ना सर, उधार के उदाहरण दीजिए ना, मैं आपको उदाहरण देता हूँ। अच्छा सुनिए, उदाहरण सुनिए। जुलाई 2022 सिमडेगा में नई मियां ने संदीप सिंह बनकर शादी की और उसके बाद पीड़ित लड़की की छोटी बहन से रेप किया, फरार हो गया। अगस्त 2022 नोएडा के चार ने पिंटू, सुन लीजिए मैं 10 उदाहरण दूंगा, आप बात दीजिएगा। नोएडा के चार ने पिंटू पंडित बनकर जान में फंसाया, अभी दुमका में शाहरुख ने अंकिता को जिंदा जला दिया, गरबा में आफ्ताब ने पुष्पेंद्र सिंह नाम बताकर शादी की, सीतापुर में मुस्लिम युवक ने अर्जुन नाम बताकर फंसा लिया, एक साल तक शोषण किया, इंदौर में शाहरुख ने राजू बनकर शादी की, राबिता को प्यार के जाल में फंसा कर शादी की, उसके बाद सामने आया हिंदोली में मामला सामने आया, कुछ नहीं होता। ये सब 2022 क्या है? उदाहरण दीजिए, आप मौजूद थे वहाँ कि कहा मौजूद थे? मर्डर केस रजिस्टर भाई, पुलिस को खबरों में आजकल में ऐसी हो जाता है। अच्छा ऐसी हो जाता है, ऐसी हो जाता है और क्या? अच्छा सब कुछ चीजें वो आती है। उदाहरण दीजिए ना, काय का उदाहरण दीजिए। मैं जिस डिबेट पर आया हूँ उसका मैं देख दे रहा हूँ, हर पहलू को ले रहे हैं, लेकिन आप बोलने नहीं देते उसको। अरे पहलू है सर, पहलू है धर्म परिवर्तन, पहलू है लव जिहाद। आप उदाहरण दीजिए ना, उड़ाते रहिए उसको। पुलिस जाएगी, सारी जो पुलिस के अंदर चेकअप होगा, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। हम और आप काय के लिए कर रहे हैं? तो मौलाना साहब, आप ये कह रहे हैं कि लव जिहाद नहीं है क्या? आप ये कह रहे हैं आप इन्वेस्टिगेशन कर लिया आपने, किसको किस कंक्लूजन में पहुंचे कि लव जिहाद नहीं हो सकता? आप ये बोलिए, सुनिए, आप एक मैच्योर आदमी है, आप एक धर्मग्रंथी है, आप धर्म का मतलब आप में जितनी उत्तेजना आ रही है, एक धार्मिक व्यक्ति के अंदर इतना गुस्सा नहीं होना चाहिए। तो आप किस आधार पर इतनी बुरी तरह डिफेंड करें कि लव जिहाद हो ही नहीं सकता? तो ये जो डिफेंड करना है ना, इट शोज योर बायस कि आप बिल्कुल हर तरीके से अपने आप को प्रोटेक्ट करना चाहते हैं, कहीं छींटा भी ना पड़ जाए। सच्चाई इन लोगों के सामने रहता है, लेकिन ये लोग कभी भी सच को मानेंगे नहीं और ना ही उसके बारे में कुछ कहेंगे, बल्कि ये लोग सामने वाले को ही गलत बताने लगते हैं कि आप लोग झूठ बोल रहे हैं, जिस वजह से इनके जैसे मौलाना हर डिबेट में जाकर सुनते हैं सामने वाले से। खैर आप अगर थोड़ा सा वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और ऐसे वीडियोज के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। हम मिलते हैं बहुत जल्द किसी और वीडियो में।